हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से पांव पसार रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अपने स्तर पर और केंद्र सरकार के सहयोग से इस संक्रमण अंकुश लगाने का कार्य कर रही है, वहीं कुछ समाजसेवी संस्थाएं और संपन्न व्यक्ति भी कोरोना के विरुद्ध इस जंग में दो कदम आगे बढ़कर न सिर्फ लोगों की विभिन्न प्रकार से सहायता कर रहे हैं बल्कि सरकार से साथ भी कदम ताल कर एक जिम्मेदार देशवासियों की भूमिका को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कोरोना पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार का सहयोग कर सके। इसी प्रकार के सराहनीय कार्यों को निभाती आ रही है सेवा आरोग्य भारती संस्था। ऊना के चिंतपूर्णी आधारित इस संस्था ने इस प्रकार के बेहतरीन सामाजिक कार्यों को करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहयोग से कोरोना से लड़ने के लिए एक ट्रक मेडिकल उपकरणों का दिया। इस ट्रक को ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने सामाजिक कार्य के लिए सेवा आरोग्य भारती संस्था और इसके अध्यक्ष संजय पराशर की भूमिका की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। इसे पूर्व डीसी चैम्बर में सेवा आरोग्य भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस सराहनीय सामाजिक कार्य के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल संबोधन में खूब सराहा। उन्होंने ऐसे सामाजिक संगठन और केंद्र सरकार के सहयोग से जल्द ही कोरोना पर अंकुश लगाए जाने का भरोसा जताया। हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि जो होम आइसोलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी जितनी मदद की जा सके, और एक विशेष अभियान हम कल से हम शुरू कर रहे हैं, एक होम आइसोलेशन किट की भी हम भेज रहे हैं जो हर परिवार तक पहुंचेगी जो कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में है, चाहे वो होम आइसोलेशन के अतिरिक्त वो इसमें हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके माध्यम से भी उनको बहुत मदद मिलेगी। और उसमें बहुत सारी चीजें जो जरूरी हैं, जो आवश्यक हैं, वो भी हमने उसमें उपलब्ध डाली हैं उसमें, तो उन चीजों को लेकर के भी हम आगे बढ़कर के काम करते रहेंगे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपके वहां पर पंडोगा में 180 बेड की कैपेसिटी का जो है मेकशिफ्ट का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और लगता है, मुझे लगता है कि एक हफ्ते में सप्ताह के अंदर अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगा। और जहां हमारे पास अभी तक बेड कैपेसिटी 120 है, इसको हम 300 तक पहुंचाने की स्थिति में हो पाएंगे, ताकि ऊना में कोई भी कोविड का पेशेंट अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कठिनाई ना हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारा ये प्रयत्न होगा। मैं इस बात को भी देख रहा था कि जहां ऊना में फर्स्ट फेज में मृत्यु बहुत कम लोगों की थी, हालांकि दुखद मृत्यु चाहे एक आदमी की भी होती है वो भी पीड़ा देती है, 45 लोगों की पहले फर्स्ट फेज में मृत्यु हुई थी, लेकिन अभी के इस फेज में 147 जो है दूसरे फेज में मृत्यु हुई है, कुल मिला करके ये आंकड़ा 192 तक पहुंच गया है। स्वाभाविक रूप से सारी चीजों को लेकर के हम न चिंतित भी हैं, लेकिन सब लोग जब मिलकर के जो काम करने के लिए आगे निकले हैं तो उससे हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, निश्चित रूप से इस कोविड के संकट से हम बाहर निकलेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कैप्टन संजय प्राशर और सोनिका प्राशर दोनों मिलकर के ऐसे संकट के क्षण में प्रदेश को मदद कर रहे हैं, और आरोग्य भारती के माध्यम से आपने ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपी किट्स, फेस शील्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, सेफ्टी ग्लव्स, N95, NRB मास्क, ये सारा सर्जिकल मास्क, इस तरह की जो जितनी भी जो आवश्यक चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इस कोविड के मरीज के लिए बहुत आवश्यक हैं उनके इलाज के लिए, तो उसमें आप मदद के रूप में ये सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आपके इस सहयोग से, इस योगदान से किसी की जिंदगी बचेगी और किसी का जो ट्रीटमेंट में जो है जो बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और बहुत सारे लोग आपकी इस सेवा को लेने के पश्चात स्वस्थ होकर के घर जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी आपका इस प्रकार का योगदान सदैव बना रहेगा, और हमारे जो आरोग्य भारती जो संगठन है उस संगठन के माध्यम से समाज के बीच में काम करते हुए
निश्चित रूप से जो एक सेवा का एक भाव लेकर के आप काम कर रहे हैं, उससे प्रेरित होकर के सदैव इस काम को जारी रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और एक बार फिर से दूसरी तरफ सेवा आरोग्य भारती के संजय पराशर ने सनातनी परंपरा और संघ के व्यक्ति निर्माण से प्रेरित होकर अपने प्रदेश के लिए इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाने की बात कही। उन्होंने अपनी संस्था के 358 लोगों की टीम के सहयोग से ऐसे कार्य किए जाने का दावा किया और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा भी प्रेरणा मिलने की बात कही। जबकि सोनिका पराशर ने खुद के और संजय पराशर के पिछले वर्ष कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मां चिंतपूर्णी से नेगेटिव होने के बाद कोरोना पीड़ितों की सेवा में कार्य किए जाने की प्रार्थना की थी। अब उसी के तहत मां के आशीर्वाद से इस समाज सेवा को किए जाने की बात कही है।